वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले मसाला की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे रात को 2 कप छोले भिगो कर रख दिए थे और इसको भीगे हुए 8 से 12 घंटे हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से साफ़ पानी में धोकर प्रेशर कुकर में उबालने के लिए रखेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है और हम यहाँ पे इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने देंगे और उसके बाद मीडियम गैस पर इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए जो छोले हैं काफ़ी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। मुझे छोलों को एकदम साबुत ही रखना है और जो इसका पानी है वो मैंने एक पैन में इकट्ठा कर लिया है। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, ये हमें आगे काम आएगा छोले बनाते टाइम। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही ज़ीरा चटक जाएगा, ज़ीरे के चटकते ही हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको भुनेंगे जब तक इसका कलर का ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए लहसुन ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम चलाएंगे। हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक हमारी प्याज का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, ये ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। ये मिर्ची कम तीखी हैं इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। आप मिर्च अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर इस्तेमाल किए हैं। मैंने इसको कद्दू क्रश करा था, आप चाहें तो इसकी टमाटो प्योरे भी बना सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम इसमें सभी ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो जो टमाटर हैं वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें अमचूर पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें छोले मसाला। और छोले मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो सभी मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर जो हमने पानी रखा था चनों में से निकाल कर उसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल पानी हम नहीं लेंगे, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये मसाले थोड़े से स्मूथ हो जाए और अच्छी तरीके से पक सकें। तो हम इसको तब तक पकाएँगे जब तक ये मसाले तेल रिलीज़ करना स्टार्ट ना कर दें। तो इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मसाले ने अच्छी तरीके से तेल को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइम पर हम इसमें बॉईल करे हुए छोले ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो छोले हैं ये ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम जो छोले मसाला बना रहे हैं इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही ड्राई खाया जाता है। तो हमारा चने मसाला एकदम तैयार हो चुका है। अब हम अपने चने मसाला या छोले मसाला, आप इसको जो चाहें कह सकते हैं, इसको सर्व कर लेंगे। तो ये बनकर एकदम तैयार है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे पूड़ी के साथ खाएं, ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और बाकी आपकी चॉइस है, आप इसे किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।